अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हम आपको चार खबरें दिखा रहे हैं। हमारी पहली खबर रायगढ़ जिले की है। 14 मार्च की सुबह 10 के आसपास मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग के मांडवा जा रही एक नाव जिस पर 88 लोग सवार थे, मांडवा से करीब 1 किलोमीटर पहले चट्टान से टकरा जाने से डूबने लगी, जिससे इस नाव पर सवार लोग चीखने चिल्लाने लगे, जिसे सुनकर रायगढ़ जिला कोस्ट गार्ड की नाव पर प्रशांत घरत नामक रायगढ़ पुलिस के सिपाही ने अपनी जान की परवाह न करते हुए डूब रही नाव पर सवार सभी 88 लोग को सही सलामत बचा लिया। प्रशांत घरत की इस बहादुरी पर महाराष्ट्र सरकार ने उसे सम्मानित करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने प्रशांत को सत्कार किया और उसे सम्मानित किया। रायगढ़ और पूरे महाराष्ट्र के प्रशांत घरत को बहादुरी के चर्चा हो रही है। हमारी दूसरी खबर मुंबई के मदनपुरा इलाके की है। मुंबई के मदनपुरा इलाके में एक व्यक्ति को 1 किलो गांजे के साथ स्थानीय लोगों ने उस वक्त रंगे हाथ पकड़ा जब वो कॉलेज के बच्चों को गांजा बेच रहा था। गांजा बेचने वाले व्यक्ति का नाम जमील बताया जा रहा है। मदनपुरा इलाके के समाज सेवक मिर्जा सलीम आजिमी और उनके साथियों ने जमील को 1 किलो गांजे के साथ पकड़कर उसे नागपाड़ा पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उस पर CRW 20 NDPS 985 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तीसरी खबर मुंबई के गोरेगांव की है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने 14 मार्च को जाल बिछाकर दो ऐसे दलाल को पकड़ा है जो एक नवी क्लास की पढ़ने वाली स्कूल छात्रा को देह व्यापार में जबरन ढकेल रहे थे। क्राइम ब्रांच के आला अधिकार ने बताया कि पालघर की रहने वाली आफरीन सबा अब्दुल सलीम 25 साल और तुषार चंद्र उम्र 53 साल को क्राइम ब्रांच की यूनिट 12 ने उस वक्त टैप लगाकर गिरफ्तार किया जब गोरेगांव ईस्ट के ओबेरॉय मॉल के पास ये दोनों उस नाबालिग लड़की को 30,000 में किसी कस्टमर को वेश्यावृत्ति के लिए भेजने आए थे। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने दोनों पर IPC की धाराओं के साथ पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को डिंडोसी पुलिस को सौंप दिया। आपको चौथी खबर महाराष्ट्र के संगमनेर की दिखा रहे है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमनेर शहर के कोरोना वायरस पर अफवाह फैलाने वाले व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन और एक महिला को संगमनेर पुलिस ने फटकार लगाई है। घटना संगमनेर शहर की है जब सोशल मीडिया एप व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल हुआ कि अभी संगमनेर बस स्टैंड पर कोरोना वायरस का मरीज मिला है और उसे शहर के तांबे अस्पताल में ले जाया गया है। इस मैसेज के वायरल होते ही पूरे संगमनेर में डर और दहशत का माहौल बन गया। जैसे ही ये मैसेज प्रशासन की नजर में आया, फौरन अधिकारियों ने संगमनेर साइबर सेल को सूचित किया, जिस पर साइबर सेल ने छानबीन करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन और मैसेज भेजने वाली महिला को ढूंढ निकाला और दोनों को संगमनेर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां संगमनेर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अभय परमार ने दोनों को फटकार लगाई और आगे कभी इस तरह की अफवाह न फैलाने की हिदायत दी। तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।